एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे रहें। आई ऑलवेज विश कि आप सब बहुत अच्छे रहो एंड आई होप कि आप लोगों का तीज बहुत अच्छा बीता हो। मैंने भी सेलिब्रेट कर लिया तीज, उसका कोई ब्लॉग नहीं बनाया। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी बहुत प्यारी सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ, दैट इज़ माई ज्वेलरी कलेक्शन, माई आर्टिफिशियल ज्वेलरी कलेक्शन। इसमें से 99% जो चीज़ें हैं वो जयपुर से है ली हुई। आपको पता है कि जयपुर इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, मेन मार्केट के लिए जयपुर बहुत ज़्यादा फेमस है, औरतों के शॉपिंग जिसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ अपना ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही है जो भी है मेरे पास, क्योंकि मुझे ये सब ऑर्गेनाइज करना था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करके ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो चलिए एक एक करके मैं दिखा देती हूँ आपको कि मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी के नाम पर क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं ये वाला आपको बता देती हूँ। ये भी मैंने ऑब्वियस बात है कि जयपुर से लिया है, तो बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सेट है ये। लाइक साड़ी पे भी ये सेट जाता है और कोई एलिगेंट सा कुर्ती हो तो उसको भी ये बहुत रिच लुक देता है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मेरा रिसेंट परचेज है। ये सेट बहुत प्यारा सेट है, इसके साथ दो इयररिंग्स हैं हाथी वाले, तो ये भी मेरा रिसेंट परचेज है जयपुर से ही और ये बिल्कुल टिपिकल जयपुर का ही नेकलेस का डिज़ाइन है, जो राजपूताना नेकलेस वगैरह कहते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा है। जंक ज्वेलरी है ये, मीन्स की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी जिसे कहते हैं, बहुत ही प्यारा है ये। ये भी अगेन साड़ी के साथ, कुर्ती के साथ, मीन्स अगर आप सिंपल साड़ी या सिंपल कुर्ती भी पहनते हो तो उसको बहुत ही रिच लुक देता है, तो ये भी मेरा फेवरेट है। मीन्स आप पार्टी वेयर साड़ी अगर वेयर कर रहे हो तो उस पर ये सेट बहुत अच्छे से जाएगा। इसके साथ है मांग टीका और दो इयररिंग्स, ये है इसके इयररिंग का डिज़ाइन। सो ये अगेन मेरा बहुत ही फेवरेट सेट है और ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है, मीन्स अगर आपको मैं बोलूँ तो ये 10 to 15 ईयर्स ओल्ड सेट है। और ये सेट में एक बात और स्पेशल है, ये मेरी मम्मी का सेट है। किसी रिलेटिव की शादी के लिए मम्मी ने लिया था, तो मम्मी ने बोला कि अब मैं इसको नहीं पहनने वाली, अब मैं कहाँ पहनूंगी, लाइक मैं बूढ़ी हो चुकी है एंड ऑल मामाज डायलॉग यू नो। तो मम्मी ने मुझे दे दिया और इस सेट को कहीं कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही ये काला पड़ा है, ना ही कुछ। ये सेट मैं क्या बताऊँ, इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ कि मैं अपना ज्वेलरी लाइक सेफ रखने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग के लिए कैसे अच्छे से रखती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ, जिससे ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं हो और इसके नग वगैरह नहीं गिरे। देखो आप, एक भी नग नहीं गिरा है कहीं से और ये कम से कम 15 ईयर्स ओल्ड है। कैन यू बिलीव दिस? तो ये अगेन मेरा बहुत ही फेवरेट है। ये सिर्फ साड़ी के लिए है, मुझे नहीं लगता कि ये सूट वगैरह पे उतना जाएगा, तो मैं इसको साड़ी पे ही वेयर करती हूँ, पिंक एंड गोल्डन कलर एंड ऑल्सो रेड कलर, इसमें तीनों कलर है। सो द नेक्स्ट वन इज दिस सोबर सेट, बहुत ही सिंपल सा सेट है ये, बहुत ही सिंपल सा बट कितना स्टाइलिश है। आई मीन लाइक मैंने अभी तक किसी के पास ऐसा नेकलेस देखा नहीं है जो एक तरफ से पर्ल है और एक तरफ से ये बिल्कुल सॉलिड है और एक तरफ से ये ऐसा पर्ल जैसा है, तो बहुत अच्छा सेट है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ इयररिंग्स थी जो कि मैंने इधर उधर कर दिया है, आई मीन मुझे मिल नहीं रहा, वो गुम हो चुका है। इसको मैं वेयर करती हूँ अभी भी, आप लोगों ने देखा होगा राखी मेकअप लुक में मैंने इसी सेट को वेयर किया है। सॉरी मैं बताना भूल गई थी, लास्ट वाला सेट भी जयपुर से ही था बट ये सेट जो है ये नेपाल से है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सेट भी मम्मी का है, मीन्स इसको सेट नहीं बोलेंगे, आई एम सो सॉरी, मीन्स कि मैं क्या बोलूँ, एक माला जैसे कह सकते हैं उस टाइप का है ये। और ये भी कोई सुपर सी साड़ी अगर आप पहनोगे, बिल्कुल प्लेन सी साड़ी, कॉटन वॉटन की होती है या फिर सुपर नेट वगैरह की साड़ी, उस पर यह बहुत अच्छा जाता है। और ऑफ वाइट कलर है तो सारे ही साड़ी पर चला जाता है, मीन्स सारे कलर की साड़ी पर जा सकता है। तो अगेन ये मेरा फेवरेट है, मम्मी ने मुझे दे दिया क्योंकि मम्मी अब ये सब वेयर नहीं करती है। तो और ये है नेपाल से, ये भी बहुत प्यारा है और इसे भी आज तक कुछ नहीं हुआ। ये भी बहुत ओल्ड है, ये भी बहुत ओल्ड है गाइस, 10-15 इयर्स बिल्कुल फॉर श्योर, ये 10-15 इयर्स से भी ओल्ड होगा आई गेस। तो ये भी अभी मैं वेयर करती हूँ किसी प्लेन सोबर साड़ी पे।
सो द नेक्स्ट वन इज दिस ऑक्सीडाइज जम ज्वेलरी, ये भी मैंने जयपुर से लिया है, इसके साथ कोई ईयरिंग नहीं आई थी और ये अगेन बहुत सोबर सेट है। इसको मैं ज़्यादातर कुर्ती और सूट पे ही वेयर करती हूँ। सो अब जो ये देख रहे हो आप, ये है सारी पिन, ये भी मैंने जयपुर से ही लिया है। इसके अलावा एक दो और थे जो ख़राब हो चुके हैं तो मैंने उसे हटा दिया था, उसके नग गिर गए थे, बट इन सब को कुछ नहीं हुआ। और ये सब मैंने लिया था 2014 में जब मेरी शादी होने वाली थी, तो दैट टाइम मैं जयपुर में थी, तो जयपुर से ये सब ब्रोच वगैरह मैंने लिया था और बहुत सारे कंगन और चूड़ियाँ वगैरह ली थी। सो इसके अलावा एक ये सिंपल सा है जो मैं कुर्ती वगैरह पे डाल लेती हूँ। इसके सेट का इयररिंग भी है, ऐसे ऐसे सिंगल इयररिंग्स हैं हुक वाले, तो ये भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही सोबर सा नेक पीस है। नाउ दीज आर सम इयररिंग्स जो कि ऑलमोस्ट सारे कलर के हैं, ऑक्सीडाइज्ड ब्लैक, रेड, पिंक, मल्टी कलर, गोल्डन एंड दिस वन इज यूनिक। कुछ ऐसे बॉक्स में मैं अपनी ज्वेलरीज को अरेंज करती हूँ। तो ये रहा बॉक्स और इसके साथ है इसका ढक्कन, और ये जो शीट आप देख रहे हो ये काइंड ऑफ फोम जैसा है जो कि आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। आपने नोटिस किया होगा कि आप न्यू क्लोथ लेकर आते हो तो कुछ ऐसा उसमें रैप होता है ना, और या फिर आप ऑनलाइन सामान मंगवाते हो तो उसके साथ भी आपको मिलता है, या फिर इसकी जगह पे आप बबल रैप भी यूज़ कर सकते हो। और अगर ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप सिंपली कॉटन का इस तरह से फैला फैला कर शीट बना सकते हो। तो ये चीज़ ट्रस्ट मी गाइस बहुत अच्छा होता है ज्वेलरी में, आपके स्क्रैच नहीं आएगा, आपकी ज्वेलरी की नग नहीं गिरेगी। और एक और रीज़न है इस चीज़ को यूज़ करने का कि आपकी ज्वेलरी को बॉक्स में मूव करने का स्पेस नहीं मिलेगा, जिससे वो आपस में टकराएंगे नहीं और स्क्रैच नहीं आएगा। इतने स्पेस में एक से दो सेट बस रखूंगी। और याद रखिए इसको ऐसे अरेंज करना है कि आपकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा आपस में टकराए ना। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग दोनों लगी हो, क्योंकि मैंने अपना ज्वेलरी सेट आप लोगों के साथ शेयर किया और बताया कि मैंने कैसे इसे इतने सालों से बचा कर रखा हुआ है और एक भी नग नहीं गिरा है, कोई स्क्रैच नहीं आया है ज्वेलरी में। तो आप भी ये तरीका कर सकते हो। मैं वापस से रिपीट करती हूँ, कपड़े के साथ जो शीट आती है फोम वाली, बच्चों के कपड़े में होती है या फिर हमारी साड़ियों में होती है, वो शीट को आपको रखना है, फेंकना नहीं है, उसे आप यूज़ कर सकते हो हर लेयर पर के ऊपर रखने के लिए, जिससे वो स्क्रैच ना आए, आपस में हिले ना ज्वेलरीज। तो और दूसरा तरीका आप कर सकते हो, बबल रैप भी यूज़ कर सकते हो। तीसरा तरीका, आप स्पेशली मार्केट से कॉटन लाकर उसकी शीट, उसको फैलाकर शीट जैसा बनाकर उसे भी आप लेयर पे रख सकते हो। और आई थिंक कि सारे लोग अपनी ज्वेलरीज कुछ ऐसे ही बॉक्सेस में अरेंज करते होंगे, तो आपको वो शीट यूज़ करना मस्ट है, इससे आपकी ज्वेलरी बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट होगी। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिले कि उन्हें अपनी ज्वेलरी कैसे प्रोटेक्ट करनी है ख़राब होने से, स्क्रैच लगने से, नग गिरने से। और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।